कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल को और करे अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। तो कैसे आप लोग हैं? आपको बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही मस्त होंगे। तो आज आप लोगों का सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट आने वाला है बिहार पैरामेडिकल वालों का। तो इस लिस्ट में किसका किसका होने वाला है और आज कितने बजाएंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और कौन सा ऐसी गलतियां हैं जिस जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जीएनएम के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ थी, और एएनएम के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या कट ऑफ थी, और ओटी लैब फार्मेसी के लिए क्या कट ऑफ थी फर्स्ट राउंड में और क्या रहने वाली है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले चलिए हम लोग नोटिस समझ लेते हैं। और नोटिस में आप लोग को सारी बातें समझ में आ जाएगी कि आज कितने बजे आएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितने बजे होगी या फिर कब होगी, और फिर एडमिशन की प्रक्रिया कब होने वाली है। चलिए फटाफट से हम लोग पहले नोटिस देख लेते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये आप लोगों का नोटिस है। ठीक है, इसमें सारी डेट दी गई है कि आपका अलॉटमेंट कब आने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होने वाला है और एडमिशन आपका कब होने वाला है। ठीक है, चलिए बारीकी से हम लोग सारी चीज़ें समझते हैं। ये आप लोगों को पता चल गई है पैरामेडिकल वालों की और पैरामेडिकल मेट्रिक वालों की नोटिस है, ओके, जो कि बहुत पहले निकल आई हुई थी। और आप लोगों का जो डेट था वो 18 तारीख 10वां महीना था, जो पोस्टपोन होकर 4 तारीख 11वां महीना 2022 हो चुकी है, यानी कि आज का डेट हो चुकी है। उसके बाद आपका डाउनलोड कब से होने वाली है वो भी देख लेते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। तो आप लोगों की जो डाउनलोड होगी वो होगी 4 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट डाउनलोड होने वाली है, ओके। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाली है 9 तारीख 11वां महीना 2022 से लेकर 14 तारीख 11वां महीना 2022। ठीक है, अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं और एडमिशन नहीं करवा पाते। वो गलती आप ये करते हैं कि आप लोग ये डेट देख लें कि सर 11 तारीख से 14 तारीख तक होने वाली है आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका अलॉटमेंट आ जाता है, आप स्वतंत्र हो जाते हैं कि 14 तारीख तक हम लोग कभी भी जाके अलॉटमेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल ही गलत है। इसमें आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आपके जो सीट अलॉटमेंट राउंड निकल के आती है तो अलॉटमेंट लेटर में आपको सबसे नीचे, ठीक है, सबसे नीचे आप लीजिएगा ना, तो रिपोर्टिंग सेंटर लिखा होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग सेंटर लिखा होगा, वो तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो हम डाउनलोड करके लाइव आके बता देंगे। बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा और कैसे कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, किस प्लेस पे जाना है, किस तारीख को जाना और कितने बजे जाना है वो भी बात करेंगे। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे आपका अलॉटमेंट आज कितने बजे आएगा और आपका कट ऑफ क्या रहने वाला, वो सारी चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे। बस 2-3 मिनट की वीडियो बनेगी, आप लोग बने रहिएगा, ओके। देखिए रिपोर्टिंग जब सेंटर लिखा रहेगा ना, तो रिपोर्टिंग सेंटर पे आप लोग को जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो सा कॉलेज आपको अलाउट हुआ है उस कॉलेज में जाना है, हो सकता है वो भी कॉलेज का नाम दिया गया हो, लेकिन जो रिपोर्टिंग सेंटर पे दिया गया है, ठीक है, एग्जैक्ट वहीं पे जाना है, रिपोर्टिंग सेंटर पे आपको लोग जाना है। और रिपोर्टिंग डेट देखिए, अब सबसे बड़ी बात आती है क्या, रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग सेंटर के जस्ट ऊपर रिपोर्टिंग डेट आपका लिखा गया होगा। ठीक है, तो रिपोर्टिंग डेट पे आपको क्या करना है, जाना, हो सकता है आपका 9 को दे दिया हो, 9 का अलॉटमेंट निकला है तो 9 को ही दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको दे सकता है 10 को दे सकता है, 11 को दे सकता है, मतलब ऐसे ही आपका आ सकती है। ठीक है, या फिर आपको 12 का या फिर 13 का या फिर 14 का, तो आपको एग्जैक्ट एक दिन का टाइम दिया जाता है, 2 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन सेकेंड दिन आप मत जाइए, फर्स्ट दिन ही आप चले जाइए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है। क्योंकि 4 को अगर आपका निकल के आता है, यानी कि आज निकल के आता है, तो आपको 11 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का डेट निकल के आती है। तो आप लोग ये मत समझिए कि सर मेरा तो आ गया है, 14 तक डेट, हम 12 को जाएंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ गए ये बात, रिपोर्टिंग डेट जो दिया गया है एग्जैक्ट उसी डेट पर आप लोगों को जाना। चलिए अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि कट ऑफ यानी कि सेकेंड राउंड में किसका किसका होने वाला है। आप ये देख लीजिए, आप कंफर्म हो जाइए कि आपका आज आने वाला है या नहीं, आपका नाम आज आने वाला है या फिर नहीं। अगर आज नहीं आता है तो फिर क्या करना है, वो भी हम रिगार्डिंग सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले कट ऑफ के बारे में समझ लेते हैं, ओके। चलिए फटाफट से ये भी जान लेते हैं हम लोग, जस्ट सेकंड, यहाँ पे आ गए हम लोग, ओके। देखिए अगर आप लोगों की सेकंड राउंड में नहीं आती है, तो अगर आप लोग तैयारी भी करना चाहते हैं बिहार पारा मेडिकल की या बिहार पॉलिटेक्निक वालों की कुछ भी, हम लोग देखिए सबका अलग अलग टीचर यहाँ पे दिखा गया, सोनू सर है, मुकेश सर है, बादल सर है, जितेंद्र सर जो कि इंग्लिश के आपको टीचर यहाँ पे है, यहाँ पे आपका जीके का टीचर है, मैथ का टीचर है, ओके, हिंदी का टीचर है, इंग्लिश का भी टीचर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और दीपक सर जो है आपको साइंस पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पढ़ाएंगे। तो आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओके। चलिए अब हम लोग कट ऑफ समझ लेते हैं। देखिए कट ऑफ जो है एएनएम का जो कट ऑफ है वो आप लोगों के देखिए 5000 तक गया था फर्स्ट राउंड में, ठीक है। तो आपका एएनएम का कट ऑफ सेकेंड राउंड में कब तक जाने वाले है, तो लड़कों का 10000 जाएगी, 10000, और लड़कियों की जाएगी 12000 से लेकर 13000 तक, ठीक है, सेकेंड राउंड में, ओके। इसके अलावा भी चांस है आपका मॉपअप का, अगर नहीं आता है तो मॉपअप कैसे करना, क्या करना, वो सारी कुछ हम बताते रहेंगे, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा, ओके। और ईबीसी जो कैटेगरी है एएनएम के लिए उसका होने वाला है 4000 तक, ओके, यानी कि आप ना इसमें सिर्फ दोगुना कर दीजिए, ठीक है, दोगुना
कर दीजिए 5,000 से 10,000, 10,000 से 12,000 तक आपका जा सकता है, ये अंदाजा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ऐसा ही फर्स्ट राउंड में हम लोग बोले थे, देखिए ये बनाया हुआ वीडियो था, ठीक है, वैसा ही गया है कट ऑफ। ओके, जो SC ST है उसका मैंने कि 2,000 तक जाएगा NM के लिए, जो ST है 3,000 भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, जो ST है उसका 400 जाएगा, जो EWS इसका 600 जाएगा। तो ऐसे आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा स्क्रीन शॉट मार के। ओके, चलिए अब हम लोग देखिए OT लैब के लिए हम लोग देख सकते हैं, जिसका 6,000 तक है तो उसको लैब टेक्नीशियन से मिल सकती है। OT का स्पेशली आपको अगर 4,000 तक है तो ही आपको मिलेगी, फार्मेसी में अगर आपका 7,000 तक भी है तो भी मिल जाएगी, एक्सरे में आपका 6,000 तक है तो भी सेकंड राउंड में आपका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग GNM के लिए बात कर लेते हैं। तो GNM में देखिए आप लोगों की अप्रोक्स आपका 3,500 तक है, 3,500 तक है तो सेकंड राउंड में आपका आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आपका मॉपअप में चांस होगा, सेकंड राउंड में नहीं होने हो पाएगा, ठीक है, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप लोग वेट कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा तो अंदाजा लग जाएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो हम लोग निकाल के रखें और यही जाता है कट ऑफ, ठीक है। फर्स्ट राउंड में भी सेम टू सेम यही गया था। EBC का आप लोगों को 1,300 तक या फिर 1,200 तक देखने को मिलेगा कट ऑफ, यहाँ तक उठाएगा सेकंड राउंड में। एससी का आपको 1,000 तक उठाएगा, एसटी का आपको 100-200 तक उठाएगा, EWS से आपको 700-800 तक उठा सकता है, RCG से आपका 1,400-1,500 तक उठा सकता है, और BC से 1,000 फर्स्ट का कट ऑफ था तो यहाँ पे आपको 2,000 तक उठा पाएगा BC से। ओके, ये सारी बातें समझ गए। अगर आपका सेकेंड राउंड में नहीं आता है या फिर आपको अंदाज़ा लग गया अगर आपका सेकेंड राउंड में आएगा या फिर नहीं आएगा, तो आप 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो स्मार्ट गुरुकुल ऐप को सब्सक्राइब कर ही लेंगे, लेकिन जो ऐप है हम लोगों का, ठीक है, प्ले स्टोर पर वो डाउनलोड करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे, नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो हम फिर से एक बार दे देते हैं, 91 22 13 76 और 66। ओके, इस नंबर पे कॉल करके आप क्लास परचेस करना चाहते तो ले सकते हैं, ज़्यादा फी नहीं है, 300-400-500 ऐसा फी है, आप जैसे ऑफर में ज्वाइन कीजिएगा वैसा आपको ऑफर मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आप सेकंड राउंड का वेट कीजिए। कितने बजे आएगी सर एडजेक्ट, ये डेट थी तो डेट ही में एडजेक्ट आपको ये बता दें कि 1:30 बजे का अप्रोक्स तो आती नहीं है आजकल, ठीक है, तो 4:30 बजे ये भी हम नहीं बोल सकते, इसमें भी आपका 50% चांस है, 100% चांस है आपका 7 से लेकर 8 बजे तक के बीच में आ सकते हैं, ये एडजेक्ट आपका डेट है। बार बार आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो मत देखिए, इसी डेट में आएगा, इससे अगर पहले आती है तो हम इन्फॉर्म कर देंगे। सब्सक्राइब किए हुए रहिएगा चैनल तो आपको पता चल जाएगी कैसे डाउनलोड करना है, कैसे क्या भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, उसके रिगार्डिंग हम सारी बातें आपको बता देंगे। बस आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेशन तो, और सब्सक्राइब तो कर ही देंगे ताकि हम आपके एडमिशन तक साथ रहें, और अगर एडमिशन नहीं हो पाए तो 2023 में आपका एडमिशन हम करवाएंगे। बस यहाँ क्लास ज्वाइन कीजिएगा या फिर यूट्यूब पर भी डेली क्लास होगी तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पूरी तरह से आपका ये चैनल फायदेमंद होने वाले हैं। चलिए अभी के लिए बाय बाय, टाटा टाटा, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्मार्ट गुरुकुल को और करे अपने बिहार पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।